It feels very comfortable and the material feels very soft and... नहीं, ये वीडियो का स्टार्टिंग नहीं है. दिस इज द मिडिल सेक्शन. ये है पैंगोलिन मास्क और ये रहा इंट्रो. सो हेलो जेंटलमैन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. मैं हूं एसडी और आप देख रहे हैं स्टाइल डोज. आज मैं करने वाला हूं अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू ऑफ दिस पैंगोलिन मास्क. सो रिसेंटली आई रिसीव दिस बॉक्स फ्रॉम पैंगोलिन. दे आर वन ऑफ द बेस्ट प्रीमियम ब्रांड्स, ऐसा लोग बोलते हैं, बट हम कैसे मान ले. हम तो चेक करने के बाद डिसाइड करेंगे. सो अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं. बाय द वे, पैकेजिंग बहुत बढ़िया है, स्पेशली इसका ब्लैक कलर आप देख सकते हो. देखते हैं अंदर क्या है. ओके, सो यहाँ पे काफ़ी अच्छा सा नोट लिखा हुआ है जिसके बारे में वीडियो के लास्ट में बात करेंगे. सी, ओके, सो हियर इज द नेक बैंड और नेक स्ट्रैप, जो भी बोलते हैं. ओके, एक और पैकेजिंग. ओके, सो हियर इज द मास्क एंड हियर इज द फिल्टर. हियर इज अ लिटिल पाउच जिसपे आप मास्क रख सकते हो. एंड हियर इज द इंस्ट्रक्शन मैनुअल, जो मैं कभी पढ़ता नहीं हूँ. जब तक एक्चुअली ज़रूरत ना पड़ जाए तब तक नहीं पढ़ता. सो इन्हें साइड पे रख देते हैं. ये एक्चुअली काफ़ी अच्छा चीज़ है, बिकॉज कभी भी आपको मास्क खोल के कहीं पे रखना हो तो ऐसे ही किसी भी जगह पे नहीं रखना चाहिए, बिकॉज उन पे डस्ट घिर सकता है, कुछ भी हो सकता है. सो इसके अंदर रखो, सेफ रहेगा. ऑल्सो इसका क्वालिटी भी बहुत अच्छा लग रहा है. सो अब आ जाते हैं मेन पार्ट पे, जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो, कि ये मास्क है कैसा. अभी इसको ओपन करते हैं. आई जस्ट होप मास्क ना कट जाए. ओके, सो या मैंने ब्लैक कलर में ऑर्डर किया था, बिकॉज आपको पता है मुझे ब्लैक एंड ग्रे शेड्स कितना पसंद है. वैसे आपको डिफरेंट शेड्स भी मिल जाएंगे इनके साइट पे, आप अपने पसंद का कलर ऑर्डर कर सकते हो और चाहो तो अपने आउटफिट के साथ मैच भी कर सकते हो. आपका स्टाइल गेम काफी एलिवेट हो जाएगा. और ये रहा इसका फिल्टर, इसको मास्क पे लगा लेते हैं. यहाँ पे वेलक्रो स्ट्रैप्स लगे हुए हैं दोनों साइड पे, जिससे ये मास्क पे एकदम अच्छे से फिट हो जाते हैं. एंड फिल्टर लगाने के बाद ये मास्क आपको 4 लेयर प्रोटेक्शन देता है एंड इजीली ब्रीदेबल भी होगा. आई थिंक सो, पहन के देखते हैं. मेरा मिरर कहाँ गया. सो जैसा कि आप देख सकते हो, बहुत ही सेक्सी मास्क है. ब्लैक कलर वन ऑफ माई फेवरेट. इट्स वेरी कंफर्टेबल एंड द मटीरियल फील्स वेरी सॉफ्ट एंड प्रीमियम एक्चुअली. इट इज़ बेटर देन दीज डिस्पोजेबल मास्क, बिकॉज इन्हें पहनने से अच्छे से फिट नहीं होते, गैप्स रह जाते हैं फेस पे. बट पैंगोलिन मास्क बहुत अच्छे से फिट होते हैं और कोई गैप नहीं रहता. और क्या मैंने आपको बताया कि बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी इस मास्क को यूज करते हैं. अमिताभ बच्चन, कार्तिक आर्यन, रणवीर सिंह जैसे सेलिब्रिटीज को भी पैंगोलिन मास्क यूज करते हुए देखा गया है, बिकॉज ऑफ इट्स अमेजिंग फीचर्स. ऑल्सो ये जो ईयर ग्रिप्स लगे हैं काफी बढ़िया लग रहे हैं, मुझे तो बहुत पसंद आ रहे हैं. लेकिन अगर आपके ईयर्स बहुत बड़े हैं तो आपको इन्हें रिमूव कर देना चाहिए. ये जो लूप्स लगे ये भी काफी बढ़िया है. इसका एक और बढ़िया फीचर है, लाइक जब भी आप मास्क पहनते हो तो ये वाले हिस्से में बहुत स्वेटिंग होता है, राइट. बट पैंगोलिन मास्क रियली हेल्प्स इन दिस केस. और यही टेस्ट करने के लिए मैं बाहर आया हूँ. ऑब्वियसली घर पे भी कुछ टाइम पहन के देखूंगा कैसा फील होता है, उसके बारे में आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा. अब बात कर लेते हैं आउटडोर सिचुएशन में इसका परफॉर्मेंस कैसा है. सो इसे पहनने के बाद जो फर्स्ट थिंग मैं नोटिस कर सकता हूँ वो है, इट इज़ वेरी ब्रीदेबल. मैं काफ़ी आसानी से सांस ले पा रहा हूँ. बट एक बात है, इसका फिल्टर लगाने के बाद थोड़ा थिक हो जाता है ये मास्क. स्टिल इट्स ब्रीदेबल और थोड़ा गर्मी तो लगता ही है. अगर आपको वायरस से फुल प्रोटेक्शन चाहिए तो ऑब्वियसली फिल्टर लगाना ज़रूरी है. सो इसका परफॉर्मेंस मुझे काफ़ी अच्छा लगा. फंक्शनल है, कंफर्टेबल है, ब्रीदेबल है और लुक्स में तो यार इट डिजर्व्स अ 5-स्टार रेटिंग. अब मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि आपको ये मास्क खरीदना ही चाहिए, ऑब्वियसली इट्स अ लिटिल कॉस्टली. बट अगर आप एक अच्छा और एक टॉप क्वालिटी का मास्क ढूंढ रहे हो, देन यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस. वेल, इसके और भी कई सारे फीचर्स हैं जिनके बारे में घर पे बैठ के आराम से बात करेंगे, बिकॉज बहुत गर्मी है यार, सीरियसली. आओ घर चलते हैं. ये वाला सेक्शन रिकॉर्ड करने से पहले मैं 30 मिनट्स तक ये मास्क यूज करके देख चुका हूँ. बहुत कम स्वेटिंग होता है. अब इंडिया में इतना हॉट एंड ह्यूमिड वेदर है तो थोड़ा बहुत स्वेटिंग होना नॉर्मल है. बट एज कंपेयर टू अदर्स, पैंगोलिन मास्क रियली फील्स बेटर.
और ये एक वॉशेबल मास्क है, मींस आप इसे घर पे भी क्लीन कर सकते हो। मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप बार बार इसे वॉश करो, बट अगर आपको जरूरत पड़े तो कर सकते हो। अब बात करते हैं इनके डिफरेंट साइजेस के बारे में। मैंने मीडियम साइज ऑर्डर किया था, बॉक्स पे लिखा हुआ है, और जैसा आप देख सकते हो काफी अच्छे से फिट भी हो रहा है। अगर आपको कंफ्यूजन है कि आपको कौन सा साइज ऑर्डर करना चाहिए, तो प्रोडक्ट इमेजेस के साथ आपको साइज चार्ट भी दिख जाएगा, मैं यहाँ स्क्रीन पे भी शो कर दूंगा। बस कुछ सिंपल मेजरमेंट्स करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन सा साइज आपको ऑर्डर करना चाहिए। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, आई विल हेल्प यू आउट। साइज का ध्यान रखना इसलिए जरूरी है बिकॉज एक बार यूज करने के बाद यू कैन नॉट रिटर्न दिस, सो या ध्यान रखना। ऑल्सो आपको वेल्स वाले मास्क भी मिल जाएंगे इनके साइट पे, जिन्हें आप रनिंग या फिर जॉगिंग करते टाइम यूज कर सकते हो, बट आई फील लाइक विदाउट वेल्स ज्यादा बेटर है। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। हाँ मुझे पता है थोड़ा ज्यादा है, 2500 रुपीज। कुछ लोग बोलेंगे कि अफोर्ड नहीं कर सकते, विच आई टोटली अंडरस्टैंड, बट फॉर दिस क्वालिटी इट्स टोटली वर्थ इट। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो जरूर ट्राई करो। परचेज करने के लिए आप इनका ऑफिशियल साइट विजिट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और अगर आप ये वाला कोड यूज करोगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। और अगर आप Amazon से ऑर्डर करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा एक एफिलिएट लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी ऑर्डर कर सकते हो। और लास्ट में आपको एक और रीजन देना चाहूंगा इस मास्क को खरीदने का। जब भी कोई इस मास्क को खरीदता है तो उस अमाउंट का कुछ परसेंटेज जाता है टुवर्ड्स सेविंग पैंगोलिंस। दीज आर वन ऑफ द मोस्ट ट्रैफिक्ड एनिमल्स इन द वर्ल्ड, सो अगर आप एक एनिमल लवर हो देन यू शुड ग्रैब वन ऑफ दीज, ओनली इफ यू कैन अफोर्ड इट। सो यही था आज का वीडियो, अगर आपको कुछ यूजफुल लगा तो इसे शेयर कर देना और साथ में सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ बहुत स्वैग वाला करने वाला था, बट या बाय।